हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर अंजलि मौर्य, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। फ्रेंड्स, सूखी खांसी या ड्राई कफ एक सामान्य समस्या है। ये वायरल फीवर के बाद, सर्दी जुकाम के बाद और कोरोना के इन्फेक्शन के दौरान या कोरोना के इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम आपको 3 घरेलू उपाय बताएंगे जो कि बहुत ही लाभकारी है और आपके लिए सही रहेगा। सबसे पहला उपाय है, हम घर में रखे हुए किशमिश अक्सर मिल जाता है, लोग रखते हैं ड्राई फ्रूट के रूप में, तो इसको ले लेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच और इसको तवा गरम कर लेंगे और उस पे ऐसे डाल देंगे और उसको चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से ये ऐसे गर्म होता रहेगा और ये गले के लिए बहुत ही अच्छा होता है और पेट के दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको धीरे धीरे ऐसे चलाएंगे। यह मधुर रस होने के कारण वातनाशक होता है, जो गले में वात के कारण जो सूखी खांसी आती है उसमें यह बहुत लाभकारी है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो ये आपके लिए नहीं सही रहेगा। आपके लिए हम कुछ दूसरा उपाय बताएंगे। देखिए अभी ये हल्का हल्का फूलने लगा है। अब इसको ऐसे ही गर्म अवस्था में ऐसे ही इसको उतार लेंगे हम। ये हल्का हल्का देखिए फूल गया, ये ऐसे ही होना चाहिए। चलो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे ऐसे ऐसे प्लेट में। देखिए ये इस तरह से हो गया है और ये हल्का गर्म है, इसको थोड़ा नॉर्मल होने दें। अब हल्का सा गुनगुना होने पे देखिए, बहुत ना अधिक गर्म है ना बहुत ठंडा है, हल्का गर्म होने पे इसे सेवन कराएं। और ये बहुत ही गुणकारी है और आप घर में बच्चों को, बूढ़े, सभी लोग ले सकते हैं आराम से, इसे कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई कफ के लिए दूसरा घरेलू उपाय, थोड़ा अदरक ले लें जिसमें लगभग 1 चम्मच रस निकल सके और 8-10 पत्ते तुलसी के और 2-3 काली मिर्च, तीनों को कूट लें। कूट के उसका रस निकाल लें और 1 चम्मच शहद के साथ इसका सेवन करें। यह बहुत ही फायदेमंद है ड्राई कफ के लिए और खांसी के लिए। ड्राई कफ के लिए तीसरा उपाय है कि आप अपने नजदीक के स्टोर से सीतोपलारी चूर्ण ले आएं और 1 चम्मच सीतोपलारी चूर्ण में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर उसका सेवन करें। यह वात का समन करता है और सूखी खांसी में बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद।